तो आइए दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है। आज से हम टेंस वाइज एक्टिव से पैसिव बनाने के तरीके के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि हम किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। आज से हम टेंस वाइज हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करने से पहले एक बार मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि ठीक प्रकार से आपकी समझ में आ जाए। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो इसके बारे में हमने जो तालिका के संबंध में बातें की थी वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताई थी, उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जो हमारी इक्वेशन है उस इक्वेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है, उसके बाद में इज एम आर का प्रयोग किया है, उसके बाद नॉट या नेवर, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और जो शुरू का सब्जेक्ट उठा करके बाद में ले जाते हैं फिर हमने उसका पालन किया है। तो सब्जेक्ट का प्रयोग सबसे अंत में है। और उसके बाद यदि इस सेंटेंस में यदि नेगेटिव है तो हम नॉट या नेवर लगाएंगे, और यदि नेगेटिव नहीं है तो हम नॉट या नेवर को हटा देंगे। अर्थात यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट, इज एम आर, थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, और नेगेटिव है तो नॉट या नेवर लगाएंगे। अब यदि इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, फिर इज एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर यदि नॉट या नेवर है तो लगाएंगे, नहीं है तो हटा देंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। तो ये हमारी इक्वेशन है। इन इक्वेशन को और ठीक प्रकार से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल है, आई बाई बुक्स फ्रॉम दी मार्केट। मैं पुस्तक खरीदता हूँ बाजार से, मैं बाजार से पुस्तक खरीदता हूँ। तो यदि हम इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा करके हम शुरू में लाएंगे। अब सवाल यहाँ पर आता है कि ऑब्जेक्ट होता कहाँ पर है। तो वर्ब की जो फॉर्म होती है उसके तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म है बाई है, और बाई के तुरंत बाद में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को उठा के हम शुरू में लाएंगे तो ये हो जाएगा बुक्स। अब इसमें एस लगा है अर्थात प्लूरल है, और प्लूरल में हमने शुरू में ऊपर पढ़ा था कि इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आर का प्रयोग आएगा, बुक्स आर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बॉट, बुक्स आर बॉट। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री है पहले हम उसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम दी मार्केट। अब जो अंत में हमें लगाना है बाई के साथ में, जो शुरू में सब्जेक्ट था आई, आई का मी बाद में लग जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा बुक्स आर बॉट फ्रॉम दी मार्केट बाई मी। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे सीता रीड्स हर बुक, सीता पढ़ती है अपनी पुस्तक इन हर रूम, अपने रूम में। यहाँ पर वर्ब की फॉर्म है रीड्स, पढ़ती है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फॉर्म के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट है हर बुक। तो हर बुक को हम उठा के प्रारंभ में लाएंगे, हर बुक। यहाँ पर बुक सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन में हम इज का प्रयोग करेंगे, हर बुक इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रीड, हर बुक इज रीड। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसका प्रयोग करेंगे, इन हर रूम, और बाई लगा करके जो सीता है, सीता को हम बाद में ले जाएंगे अर्थात सब्जेक्ट को बाद में ले जाएंगे, हर बुक इज रीड, अपनी पुस्तक पढ़ी जाती है अब कमरे में बाई सीता, सीता के द्वारा। तो सीता के द्वारा अपनी पुस्तक अपने कमरे में पढ़ी जाती है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस था इसका। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं, सोहन डज नॉट एब्यूज हिज सर्वेंट। सोहन गाली नहीं देता है अपने नौकर को।
तो यहाँ पर हमारा वर्ब की फॉर्म है एब्यूज़, एब्यूज़ के तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट है हिज सर्वेंट, तो हिज सर्वेंट को उठा के हम पहले लाएंगे, हिज सर्वेंट, तो ये हिज सर्वेंट को हम उठा के शुरू में लाए, हिज सर्वेंट। यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग किया गया है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम जो ऑब्जेक्ट लाए हैं उठा करके, हिज सर्वेंट जो कि हम ऑब्जेक्ट है, तो सर्वेंट सिंगुलर है, सिंगुलर में हम इज़ का प्रयोग करते हैं, हिज सर्वेंट इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी एब्यूज्ड, हिज सर्वेंट इज नॉट एब्यूज्ड बाई, सब्जेक्ट है यहाँ पर सोहन, तो सोहन को बाद में लगाएंगे, सोहन, हिज सर्वेंट इज नॉट एब्यूज्ड बाई सोहन, अपने नौकर को गाली नहीं दी जाती है सोहन के द्वारा। तो इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 3 होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलते हैं, दे डू नॉट देयर नाइबर, यहाँ पर एक चीज लगा लेते हैं, दे डू नॉट बीट, दे डू नॉट बीट देयर नाइबर, वे अपने पड़ोसी को नहीं पीटते हैं। तो यहाँ पर देयर नाइबर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है देयर नाइबर, उसको उठा के हम प्रारंभ में लाएंगे, देयर नाइबर, अब ये नाइबर सिंगुलर है तो इसी वजह से हम यहाँ पर इज़ का प्रयोग करेंगे, देयर नाइबर इज, फिर आएगा नॉट, और फिर बीट की थर्ड फॉर्म आएगी बीटेन, देयर नाइबर इज नॉट बीटेन, और अब बाई लगा करके देगा हो जाएगा देम, देयर नाइबर इज नॉट बीटेन बाई देम, अपने पड़ोसी को नहीं पीटा जाता है उनके द्वारा। तो इस प्रकार से ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर, डू यू नॉट लव हर, क्या तुम नहीं प्यार करते हो, हर माने उसे, क्या तुम उसे प्यार नहीं करते हो। यहाँ पर हमने डू का प्रयोग किया हुआ है, तो डू जो आता है प्लूरल के साथ में, लेकिन ये यू के कारण है, हमें ऑब्जेक्ट लाना है उठा करके हर, हर का जो सब्जेक्ट बनेगा वो बन जाएगा शी, और शी के साथ में हम लगाते हैं इज, तो चूंकि ये इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव ही बनाएंगे, तो इज शी, अब आएगा नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लव्ड, इज शी नॉट लव्ड बाई यू, इज शी नॉट लव्ड बाई यू, क्या उसे नहीं प्यार किया जाता है तुम्हारे द्वारा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 था। अब एग्जाम्पल नंबर 6 पर चलेंगे, जो कि हमारा इंटरोगेटिव है, विच फ्रूट डू यू नॉट लाइक टू ईट, विच फ्रूट माने कौन सा फल, डू यू नॉट लाइक तुम पसंद नहीं करते हो, टू ईट माने खाना। अब सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, तुम पसंद नहीं करते हो, किस चीज़ को पसंद नहीं करते हो, फल को, तो फल जो ऑब्जेक्ट होना था बाद में वो क्वेश्चन वर्ड के साथ में रखा हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ ही प्रयोग में आएंगे, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा विच फ्रूट, अब ये फ्रूट सिंगुलर है तो यहाँ पर हम इज़ का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, विच फ्रूट इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, विच फ्रूट इज नॉट लाइक्ड, अब टू ईट, और अंत में हो जाएगा बाई लगा करके जो सब्जेक्ट है यू, इसको हम अंत में लगा देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क, तो विच फ्रूट इज नॉट लाइक्ड टू ईट बाई यू, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना। एक और नए तरह का पैसिव वॉइस बनाते हैं जिसमें हम हु का प्रयोग करते हैं, हु टीचिज यू, कौन पढ़ाता है, यू माने तुम्हें ज्योग्राफी, तुम्हें ज्योग्राफी कौन पढ़ाता है, दीज डेज माने आजकल तुम्हें ज्योग्राफी कौन पढ़ाता है, तो हु का
का जो पैसिव फॉर्म बन जाती है वो हो जाता है बाई होम, बाई होम। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर यू है, यू को इधर लाएंगे उठा करके शुरू में, तो यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं, बाई होम आर यू, बाई होम आर यू। अब नॉट इसमें है नहीं तो वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, टीच की थर्ड फॉर्म हो जाती है टॉट, बाई होम आर यू टॉट। अब जो शेष भाग है हमारे सेंटेंस का, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी बाई होम आर यू टॉट ज्योग्राफी दीज डेज, दीज डेज बाई होम आर यू टॉट ज्योग्राफी दीज डेज, किसके द्वारा तुम्हें पढ़ाई जाती है ज्योग्राफी दीज डेज, माने आजकल, आजकल किसके द्वारा तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 था। और अब आता है एग्जाम्पल नंबर 8, डज मीरा नॉट लाइक हर सॉन्ग, क्या मीरा नहीं पसंद करती है उसका गीत, क्या मीरा उसका गीत पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट लाना है उठा करके हर सॉन्ग, क्योंकि वर्ब की फॉर्म है लाइक और वर्ब की फॉर्म के तुरंत बाद में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो ये हर सॉन्ग यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अब चूंकि ये इंटेरोगेटिव है, डज शुरू में लगा हुआ है, और हर सॉन्ग है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं, इज हर सॉन्ग, फिर नॉट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी लाइक्ड, इज हर सॉन्ग नॉट लाइक्ड बाई मीरा, इज हर सॉन्ग नॉट लाइक्ड बाई मीरा, क्या उसका गीत नहीं पसंद किया जाता है मीरा के द्वारा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 8 था। और अब आता है एग्जाम्पल नंबर 9, वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्यों नहीं खेलते हो क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है भाई, तो जैसा कि हमने इक्वेशन में लिखा था, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले हम ऐसा कैसे लगाते हैं, उसके बाद में इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट से पहले प्ले आ गया और प्ले वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, उसे क्रिकेट को हम यहाँ लाएंगे उठा के, क्रिकेट सिंगुलर होगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे, वाई इज क्रिकेट, फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी आएगा, वाई इज क्रिकेट नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाई इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाई, सब्जेक्ट को उठा करके अंत में ले जाएंगे। तो ये था हमारा 9th एग्जाम्पल। और लास्ट एग्जाम्पल अब एक और हम लेते हैं, हाउ मैनी लेसन्स, कितने पार्ट डू यू, माने यहाँ पर हम हाउ मैनी लेसन्स, कितने पार्ट डू यू स्टडी डेली, तुमने कितने पार्ट, तुम कितने पार्ट पढ़ते हो डेली, माने रोजाना। तो ये सेंटेंस है हमारा, हाउ मैनी लेसन्स, कितने पार्ट डू यू स्टडी, तुम अध्ययन करते हो डेली, माने रोजाना, तुम रोजाना कितने पार्ट पढ़ते हो। तो यहाँ पर यू के साथ में हमने डू का प्रयोग किया हुआ है, तो यू चूंकि प्लूरल है इसलिए डू का प्रयोग है। अब हाउ मैनी लेसन्स, ये इंटेरोगेटिव भी है, चूंकि सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है वो लेसन पे कर रहा है, तो लेसन हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे हाउ मैनी लेसन्स, हाउ मैनी लेसन्स, कितने पार्ट, अब ये लेसन्स प्लूरल है तो इसलिए आर का प्रयोग करेंगे, हाउ मैनी लेसन्स आर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्टडी की, STUDIED, हाउ मैनी लेसन्स आर स्टडीड, अब यहाँ पर आ गया डेली, डेली बाई, सब्जेक्ट हमारा यू था तो यू को हम बाद में ले जाएंगे, बाई यू।
हाउ मैनी लेसन्स आर स्टडीड, कितने लेसन पढ़े जाते हैं डेली माने रोजाना, बाय यू माने तुम्हारे द्वारा। तो दोस्तों ये था, हमने पूरा प्रयास किया अलग अलग प्रकार के हमने एग्जाम्पल लेकर के समझाने का। तो उम्मीद है कि यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो अवश्य आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एक्टिव से पैसिव इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं, इसको आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन शर्त यही है कि इसको हम ध्यान से देखें और सारे नियमों का पालन करें। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका था। अगली वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।